चलो तो आज अपन एक बार फिर से वोल्टास टाटा प्रोडक्ट 8 साढ़े 8 किलो की मशीन है वोल्टास का बेको वॉशिंग मशीन का एक बार और डिटेल में देख लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिल्टर कैसे साफ़ करें और कपड़े कैसे धोएं। बहुत सिंपल है ये, पूरे 5 बटनों पर खेल होता है पूरे मशीन का। अभी मेरी मशीन चालू है और ये वीडियो नंबर 5वां या 6वां है। जब से मशीन अपन ने खरीदी है तब से मैं आपको एक गाइड वीडियो डाल रहा हूँ। तो अपन आज देखेंगे कि कपड़े कैसे धोए और इसमें जो फिल्टर होता है उसको हर 2-4 दिन में आपको साफ़ करना पड़ेगा। अभी मेरा आवाज़ आ रही होगी आपको क्योंकि ये कपड़े सूख रहे हैं इसमें या ड्राई हो रहे हैं बोल सकते। इसको मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन मंगवाया था अमेजन से। अगर आप डीलर से लेते हो तो डीलर क्या लूटते हैं, 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लूट लेंगे। तो इसको हमने अमेजन से बुलाया था, लगभग 12-13 हज़ार में पड़ी थी हमको। फाइनेंस कराओगे तो आपको 14-15 में पड़ सकती है। लिंक तो वीडियो के नीचे डाल दिया है और पुराने वीडियो भी देखे। ये लगभग कितना हो गया इसको, 15-20 दिन हो गया अपन ने ख़रीदा है। तो मेरे ख्याल से 5 साल की वारंटी के साथ मिलता है। तो 5 साल की वारंटी आपको दोनों मोटर की मिलती है। ये है स्पिनर जिसको ड्रायर बोलते हैं और ये है मोटर मेन वाली जो धोती है कपड़े। देखो धो रही है अभी, इसमें कंबल और कथरिया डाल रखी है। कंबल डाले अपन ने, कंबल स्पीड से धो रही है ना। पानी कोशिश करो कि ज़्यादा भरो, कम से कम आधा, ठीक है। चलो बता दूंगा मैं भी, थोड़ा आवाज़ आ रही है तो मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। देखो अब मैं बता देता हूँ ये 5 बटनों का। देखो पाइप कुछ हमने ऐसे सेटिंग किया है टेम्परेरी, ये जो पाइप है इसमें से पानी अंदर जाता है। यहाँ से भी देख लो, ये देखो, देखा ये पाइप जो है इसमें मशीन में पानी अंदर जाता है। ये फुल ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। आधा काम आप करोगे, आधा काम मशीन करेगी, ठीक है। और ये जो पाइप है ये पूरा पानी बाहर निकालती है जो धो के। ये देखो ध्यान से देख लो। तो हमने कुछ ऐसी टेम्परेरी सेटिंग की है, आप लोग घर में जगह ज़्यादा होगी तो परमानेंट सेटिंग कर सकते हैं। ये जो आते हैं ना ये सब नल लगा बाथरूम में आपके लगे रहते हैं, ये वॉशिंग मशीन के लिए आते हैं। तो इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, जब भी पानी भरना रहा इसमें मशीन में। तो 8.5 किलो का वोल्टास बेको वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक अमेजन से हमने ख़रीदा था। आपको बता दिया, लिंक वीडियो के नीचे डाल रखा है, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। अभी दिवाली में ऑफर भी चल रहा है। हाँ इसका डब्बा भी वो रखा है, वो देखो वोल्टास का बेको। तो मैं इसके बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ कुछ आप लोगों ने बोला था कि फिल्टर साफ कैसे करें। अभी मशीन मेरी चालू है, अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि आवाज़ करती है। ये जो स्पिनर है इसका, ये धड़ 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 आवाज़ करता है। वो धो करता नहीं है, वो धोता है कपड़े, क्योंकि उधर से धो के निकालो इसमें डालना पड़ता है और पानी चालू कर दो। यहाँ से भी एक तो चालू कर सकते हैं और वहाँ से भी। चलो देख लेते हैं एक बार और। चलो तो अभी क्या है, इसमें कपड़े धुल रहे हैं। ये 5 बटनों का ये है पानी नल के लिए, है ना, वॉश टैप। और एक स्पिन टैप, ये वॉश टाइमर, ये पूरा कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है। इधर वाला भाग, इधर ये वाला, ये जैसे चद्दर धोना है, कपड़े कथड़ी धोना है तो हेवी पे रखो, शर्ट पैंट चड्डी बनियान धोना है तो नॉर्मल पे रखो। अगर कुछ ऐसे कपड़े जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं वो जेंटल पे रखो। तो एक साइड तुम ऐसे सेट कर सकते हो, इसमें लिखा है डेलिकेट यानी बहुत ही नॉर्मल हल्का, तो मशीन पे लोड भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा पास में करके दिखाओगे, सॉरी मैं पास में नहीं कर पाया था, ठीक है। डेलिकेट चड्डी बनियान भी इसमें भी धो सकते हैं। यहाँ कोई भी हेवी ऑप्शन सिर्फ आप लोगों को कथड़ी चद्दर ब्लैंकेट कप उसके लिए यूज़ करना है, बाकी ये 3 पर चलाना है आपको। अधिकतर नॉर्मल पे चलाओ तो मोटर आपकी जल्दी जलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। ये क्या चीज़ है भाई, ये है वॉश राइंस और ड्रेन। इधर घुमा देंगे तो मशीन के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलेगा। देखो निकलना चालू हो गया, कौन सा गंदा पानी, ये देखो
लेकिन अभी मैं जल्दी बंद कर दूंगा क्योंकि सर्फ डाला है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तो मैंने बंद कर दिया। जब पूरा काम हो जाए आपका तो यहाँ से आप पानी बाहर निकाल सकते हो। इसका आपको आखिरी में समझाऊंगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाला। ये स्पिनर, ये अभी जैसे जीरो पे है, तो आपको जब भी जीरो पे है तो आपको पूरा 10 पे कर देना है, ऐसा घुमा के, ऐसा घुमा के 10 पे कर देना है। इसमें जब कपड़े धुलना हो जाए तो इसमें डालना है और उसके बाद पानी खोल देना है। पानी फिर स्पिन टाइम में इधर घुमा देना है तो पानी यहाँ आने लगेगा, तो थोड़ा कपड़े खंगाल जाएंगे। ऐसे 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 करके जब कपड़े खंगाल जाते हैं थोड़ी देर है ना, कपड़े खंगाल जाते हैं तो ये स्पिन टैप को बंद कर देना है, पानी बंद कर देना है। या तो यहाँ से इधर करोगे तो इसमें पानी आने लगेगा, तो नल से बंद कर सकते हैं। फिर इसको चलने दो, जब तक चलने दो, जब तक चलने दो, जब तक कि ये जीरो पे ना आ जाए। 10 से उल्टा घूमेगा ऐसा, ये बटन अपने आप टाइमर की तरह काम करती है। 10 पे कर देंगे तो ये जीरो पे चली जाएगी, तो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। सूखते तो नहीं है लेकिन हल्के हल्के ड्राई हो जाते हैं। इसका देख लो, जैसे कि अभी अपन कपड़े धो रहे हैं है ना, तो आवाज़ आएंगी, इसलिए मैंने मशीन बंद कर रखी है अभी। तो मैंने क्या किया है, ये जो 40 से 15 का जो लफड़ा है, ये कुल मिला के आपको 40 पे कर देना है बटन। अभी ये 15 पे आके रुक गई है, क्यों रुक गई है मैं बताऊंगा अभी। जैसे जीरो पे थी तो मैंने अभी इसको 40 पे कर दिया और मशीन को छोड़ दिया कपड़े डाल के। जैसे इसको मैंने 40 पे सेट कर दिया है और इसमें सर्फ साबुन कपड़े डाल के इसको ढक्कन, ऐसा ये हाइड्रोलिक है तो अपने आप ढक्कन लग जाते हैं, हल्का सा ऐसा दबा देना है। तो ये देखो ढक्कन हाइड्रोलिक है दोनों, ये देखो अपना ऐसा काम करेगा, तो अब मशीन अपना काम करना चालू कर देंगी। तो 40 से 15 का शॉक टाइम होता है, मतलब मशीन रुक रुक के चलती है। रुक रुक के चलना दो फायदा है, जिसमें कपड़े मुरते भी है अपनी भाषा में, मतलब सर्फ डाला है तो उसमें का गंदगी निकलने के लिए टाइम चाहिए ना, तो थोड़ा सा चलेगी फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ा सा चलेगी फिर रुक जाएगी, फिर वो 15 मिनट से परे जो काटा आएगा तो जीरो तक के भयानक चलती है, तो पूरे आपके कपड़े धुल जाएंगे और मशीन चिल्लाने लगेगी, ये बजर बज जाएगा। तो आप ये ढक्कन खोल के इसमें के पूरे कपड़े निकाल के इसमें डाल दो। फट फट लिया ऐसा, इसमें से निकाला डाल दिया, उसके बाद ये ढक्कन लगा देना है। ये भी हाइड्रोलिक है, ध्यान रखे, दब दब जम के नहीं दबाना, नहीं तो खराब हो सकता है। इसको हल्का सा दबा के छोड़ देना है। तो ये वाला ऑटोमेटिक सेंसर पे काम करता है, जब आप ढक्कन लगाओगे ना तभी आपका स्पिनर या ड्रायर चालू होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो ये ढक्कन लगा दोगे और इसके बाद आते हैं इस बटन पे। इसको भी आपको फिर जीरो पे रहेगा तो 10 पे सेट करके छोड़ देना है और इधर पानी घुमा देना है स्पिन टैब में, तो इधर वाला पानी इसमें आ जाएगा है ना, और नल चालू कर देना है। कुल मिला के इस नल पे ही हैंडल रहता है पूरी मशीन का, और फिर ये आपका विद इन 10 पे है तो 8 पे आते तक नल चालू रहने दो, फिर नल को बंद कर दो। फिर ये सुखाना चालू करेगा, यहाँ ड्राई करना चालू करेगा, खूब घूमती है, हल्ला करेंगी, ऐसी 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 होती है। जैसे कि चालू कर देते हैं अपन, ये देखो मशीन चालू कर दी है। अब देखो अपन ने मशीन इस अभी नल मेरा बंद है क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है पानी की। इधर करोगे तो पानी इसमें आएगा, इसमें पानी आएगा, ठीक है, और इसको इधर घुमा दोगे तो पानी इसमें आ जाएगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं। जैसे कि देखो मैंने कपड़े डाल दिए हैं, सर्फ डाल दिया है और बड़े बड़े कपड़े, हैवी कपड़े डाल दिए हैं, जैसे कि कथड़ी चद्दर ब्लैंकेट, और मशीन 40 पे लगा दी थी, तो 40 पे लगाई थी तो थोड़ा रुक रुक के चलते चलते वो 15 पे आ गई है, लेकिन अब वो भयानक घूमेगी यहाँ तक के तो आपके पूरे कपड़े धुल जाएंगे। और मैं इसको डेलिकेट पे चला रहा हूँ, अगर आपके हेवी कपड़े हैं तो शर्ट पेंट है तो यहाँ पर चलाओ, चड्डी बनियान है, बच्चों के कपड़े हैं तो इस पर चला सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा हेवी कपड़ा है जैसे कि चद्दर ब्लैंकेट
देखो आवाज़ ज़्यादा करने लग गई, भयंकर घूमती है। ये बटन सिर्फ दो काम आती है, सिर्फ पानी, गंदा पानी बाहर निकालने के काम की आती है। ये देखो मैं अभी घुमा नहीं सकता क्योंकि पानी बाहर, अभी मशीन अपनी कपड़े धुल रही है। देखो कितना गंदा पानी है, देखो। अब मैं थोड़ा इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ ज़्यादा करेगी। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल पर ज़्यादा धो तो मशीन आपकी ज़्यादा चलेगी। अब जब ये धोना हो जाएगा तो ये कपड़े इसमें डाल देंगे, नल का पानी खोल देंगे तो कपड़े खंगालते। अपन हाथों से धोते हैं तो कपड़े खंगालते हैं ना उस पानी में, तो कम से कम 2-4 मिनट यहाँ से नल खोल के यहाँ पर इसको स्पिन में घुमा देना है और थोड़ी देर कपड़े खंगालना है। अब यहाँ होगा क्या कि ये मैं 10 पे सेट कर दिया हूँ और ये पानी स्पिन टैब में कर दिया है इसमें, और मैं नल खोल देता हूँ। ये देखो आज लाइव बता ही देता हूँ, तो देखो मैं ढक्कन खोल दूंगा तो स्पिनर बंद हो जाता है। ये देखो मतलब थोड़ी देर कपड़े खंगाल लेंगे अपन इसमें। ये देखो ढक्कन बंद कर दिया और यहाँ 10 पे सेट कर दिया है मैंने। और खराब पानी ऑटोमेटिक इधर निकलते रहेगा, इसमें से पानी निकलेगा, इसमें से और इसमें से पानी जा रहा है। तो अभी कपड़े धुल के हो गए थे, मैंने इसमें से निकाल के इसमें डाल दिए है, तो अब वो कपड़े धुल रही है पानी के साथ, खंगाल रही है। तो देखो एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, उसमें से निकाल के मैंने इसमें डाल दिए और इधर पानी इधर खंगालना चालू है और उस साइड में दूसरे कपड़े धुल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मेरा पानी बंद कर देंगे, क्यों पानी बंद कर दिया, क्योंकि वैसे आपको बहुत देर पानी छोड़ देना है अगर आपका कुछ इस ये जो है ना ये इसमें धुलने के बाद कुछ गंदगी सर्फ के वो छूट जाते हैं, तो इसमें से इसमें डाल के आपको थोड़ी देर पानी चला के खंगालना पड़ेगा कपड़े को ऐसे ऐसे, वो मशीन करेगी आपको नहीं करना है, और उसको 10 पे सेट करके छोड़ देना है और उसके बाद पानी चला के और फिर पानी बंद कर देना है। तो ये एकदम इतना बढ़िया कपड़ा सुखा देती है, अगर आपका छूट जाता है कपड़ा गीला तो और 0 पे आने के बाद और फिर दोबारा से लगा सकते हो 10 पे आप, फिर और घूमेगी। ये भी घूम रही है, ये भी घूम रही है, लेकिन जब मैं इसका ढक्कन खोल दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। देखना है ना, ध्यान से देखना, ये देखो क्योंकि ये सेंसर पे काम करता है तो ढक्कन लगा रखना पड़ेगा। देखो तो अभी कपड़े गीले हैं तो अभी और ड्राई होने देंगे। ये देखो मैंने ढक्कन लगा दिया, मुझे लग देखो तो मुझे लगता है बहुत चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। बहुत सिंपल है कपड़े धोना, इन बटनों पे खेल है। और कहीं डाउट है, ये बटन ये स्पिनर को ध्यान से यूज़ करना है आपको। ये स्पिनर टाइमर ख़राब भी जल्दी हो जाता है, ये अभी 8 पे है ध्यान रखें, ये देखो 8 पे है, ये अभी 6 पे जाएगा फिर 4 पे जाएगा, ये अपने आप जैसे कि अपन चाबी भरते हैं ना उस टाइप से काम करता है। ये देखो ये अभी 6 पे आएगा, 4 पे आएगा, 2 पे आएगा और ऑटोमेटिकली 0 पर जाके आपकी मशीन बंद हो जाती है। तो फुल ऑटोमेटिक मशीन नहीं है कि कपड़े डाल दो पानी खोल दो और चले जाओ, इसमें थोड़ा आके देखना भी पड़ता है। तो ये 0 पे आके आपका स्पिनर बंद हो जाएगा और इसमें से कपड़े निकाल के आप अपने छत पे डाल सकते हैं, घर में डाल सकते हैं कहीं भी। और ये देखो ये भी कपड़े धो रही है बहुत देर से, ये वाला इसको मैंने 40 पे सेट किया था तो 40 से 15 के बीच में ये रुक रुक के चलती है। ये शॉक, शॉक का मतलब शांत रहना, कपड़े को मुराना धोना, और 15 से 0 तक के ये बहुत तेज़ी से घूमती है। जैसे अभी देखो कपड़े धो रही है, देखो
ये जीरो पे जाके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और फिर आवाज़ करेंगी, यानी बजर बच जाएगा, तो फिर इसमें के कपड़े अपन इसमें डाल दें। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा मशीन बंद कर देते हैं। ये देखो मैंने मशीन बंद कर दी, तो ये भी बंद हो गया और ये भी, लेकिन ये अभी सूखे नहीं है और ये भी छेद है आके। तो तुम उधर से बटन चालू कर दोगे या लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने के बाद जब लाइट आती है ना तो वहीं से मशीन काम करना चालू कर देंगी जहाँ से छूटा है। ये अभी छेद पे है तो मशीन को पता है कि अभी कपड़े सूखे नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक चार पे दो पे और उल्टा चलता है, यानी कुल मिला के उल्टा काम कर रहा है ना, ऐसे समझो आप। अब आते हैं मैंने जो मेन टाइटल डाला था फिल्टर, इसमें दो फिल्टर लग गए हैं, एक यहाँ लगा है मैं भी दिखा दूंगा आखिरी में खोल के, और एक यहाँ लगा है। तो इनको फिल्टर को निकाल के साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि पूरी गंदगी कचरा उसी में भरा जाता है। और ये एक क्या चीज़ है भाई, ये वाला आपका ये जो टब है इसका वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसको पूरा ऊपर खींच के आराम से खींचना है, ये वाला, ये मैंने भी पूरा हाई लेवल पे खींच दिया है। हाई लेवल का मतलब कि उतना पानी इसमें भर सकते हो, अगर ओवरलोड हो गया तो यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा। जितना पानी इसको मीडियम कर सकते हो इधर नीचे दबा के, देख लेता हूँ ध्यान से। ये देखो यहाँ तीन इंडिकेशन दिए है, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम। तो इसको तो एक जगह आप सेट करके छोड़ दिया करो, हाई लेवल पे छोड़ दिया, क्योंकि अब लो लेवल पे करोगे तो उतना ही पानी भराएगा मशीन में, नहीं तो बाहर निकलना चालू हो जाएगा पाइप से, ठीक है। ये इसको इसको उसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं, इसको आपको मेरे हिसाब से हाई लेवल पे करके छोड़ देना है, ताकि अगर आप कभी नल बंद करना भूल भी गए तो हाई लेवल पे पानी भरा के वो ओवरलोड हो जाती है तो पानी निकलना चालू हो जाता है, लेकिन नल बंद करना है, नहीं तो ये पूरा जो आपका पानी है वेस्ट हो जाएगा भाई। जितना काम है उतना ही तो लोगे ना। और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मशीन में ज़्यादा पानी भर के ही कपड़े धोना है, ताकि ये जो कपड़े हैं नीचे टकराए ना उस पंखे को, नहीं तो पंखा आपका ख़राब हो सकता है या मोटर जल सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर के कपड़े धोए। मेरा अभी फुल लेवल पे है, इसमें दो फिल्टर लगे हैं, जब ये खाली हो जाएगा तो फिल्टर को दो चार दिन में निकाल के साफ़ करना है। अभी मैं दिखा दूँगा आखिरी में साफ़ करके आपको। अब जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा कपड़े धोना हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल के इसमें डालूंगा। पहले ये कपड़े अपने रेडी हो चुके हैं, तो मैं पहले मोटर चालू कर मशीन को चालू कर लेता हूँ। देखो दोनों मशीन काम कर रही है, अपना वाशर भी काम कर रहा है, वाशर का मतलब जिसमें धोते हैं, और स्पिनर या ड्रायर ये भी अपना काम कर रहा है। तो क्या डाल देना है, खड़े नहीं रहना है आपको, डाल देना है, मशीन खुद अपना काम करती है, इसीलिए इसका नाम सेमी ऑटोमेटिक रखा है। इसमें क्या है, थोड़ा आके देखना पड़ेगा, अभी कुछ देर में ये जीरो पर आ जाएगा तो आपका ये वाला मशीन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये लो मैं ही कर, ये देखो ये ऐसा आवाज़ करेंगी और आपको आवाज़ लगाएंगी कि कपड़े धोना हो चुका है, उसके बाद में ये कहानी रहेगी। ये देखो इधर भी काम चल रहा है अपना, ये दो नंबर पे आके जीरो पे आ जाएगा तो ये कपड़े सूख जाएंगे, है ना। अब मैं एक बार इसमें से कपड़े जैसे कि धुल चुके हैं तो मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को।